हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं यूकेजी के लिए। ठीक है, यूकेजी का इंग्लिश वर्कशीट है, वही जो डेली रिवीजन हम कराते हैं। ठीक है, तो आप डेली रिवीजन के लिए इस वर्कशीट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो पहला सवाल है कंप्लीट द सेंटेंस विद दिस और दैट। ठीक है, आपको यहाँ पे सेंटेंस हैं वो दिस और दैट। आप पिक्चर को देखिए, जो आपको लगती है कि हाँ पास है, जैसे कि यहाँ पे ट्री है, ये पास में है, ये बॉल है, ये दूर है, तो दिस और दैट को सही जगह यूज़ करके आपको जो सेंटेंस है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको पता होगा कि दिस जो है वो हम मतलब यह है, मतलब जो चीज़ हमारे नज़दीक होती है उसको हम यह कहते हैं दिस, एंड जो दूर होती है उसको हम दैट मतलब वह कह के इंडिकेट करते हैं, है ना, लिखते हैं। तो ये ट्री क्या है, पास में है, है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस इज़ अ ट्री। ओके, दिस का ओके। नेक्स्ट, ये बॉल जो है वो आपसे दूर है, तो जब दूर होती है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, दैट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज़ अ बॉल। ठीक है, इज़ अ काइट, काइट भी आपसे दूर शो हो रही है तो हम यहाँ पे भी दैट लिखेंगे। ठीक है, फ्लावर, फ्लावर आपके नज़दीक शो हो रहा है। ओके, ये मैंगो है, ये दूर शो हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, कप, ये कप जो है वो आपके नज़दीक है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस इज़ अ कप। ठीक है, जो चीज़ हमारे पास होती है उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं, और जो चीज़ हमारे दूर होती है उसको हम दैट यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है, ये पिन है, ये हमसे दूर शो हो रही है तो हम इसको क्या लिखेंगे, दैट। ठीक है, आप इसी तरह के और भी वर्कशीट बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको राइमिंग वर्ड्स हैं उनको मैच करना है। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स होते हैं, उनका जो साउंड होता है ना वो सेम साउंड होता है, जैसे बी ए टी बैट। ठीक है, तो बी ए टी बैट किससे मैच हो रहा है, एम ए टी मैट से। ठीक है, तो हम यहाँ पे एम ए टी मैट से इसको मैच करते हैं। ठीक है, ठीक है, एन ओ टी नॉट, तो इसका जो राइमिंग वर्ड होगा वो क्या होगा, डी ओ टी डॉट। आप जब बुक रीडिंग करोगे ना तो आपको इस तरह के जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, सेम साउंड वर्ड होते हैं, वो आप जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। जब हम एक जैसा साउंड बोलते हैं तो वो होता है राइमिंग वर्ड्स में। ठीक है, सन, तो सन ये हो जाएगा बन, बी यू एन बन। ठीक है, कप, कप पप। ओके, बिन का क्या हो जाएगा, पी आई एन पेन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट द वर्ड्स विथ मिसिंग वॉवल्स। ठीक है, इसमें आपको ओनली वॉवल्स ही भरना है। ठीक है, वॉवल्स भरते हुए आपको ये जो वर्ड हैं इनको कंप्लीट करना है। तो वॉवल्स क्या क्या होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, फाइव वॉवल्स हैं। तो यहाँ जो भी वर्ड आप बनाओगे इन वॉवल्स को यूज़ करते हुए आपको बनाने हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके स्पेलिंग्स अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, एस यू एन सन। ठीक है, एच ई एन हैन। ठीक है, इसके लिए क्या होगा कि आपको बुक की रीडिंग देनी चाहिए। आप जितने बुक की रीडिंग दोगे, जितना स्पेलिंग बोल बोल के पढ़ोगे ना, उतना इजीली आप लर्निंग मतलब लिखना और पढ़ना दोनों ही सीखा, रीडिंग एंड राइटिंग दोनों में आपको हेल्प होगी। जे यू जी जग, पी ई एन पैन। ओके, डी ओ टी डॉट। ठीक है, टी आई एन टेन, सी यू पी कप, एम ए टी मैट। ठीक है, और सी यू बी कब, और के आई एन जी, है ना, यहाँ पे आई आएगा, ई वाई ई। जब हम बुक की रीडिंग देते हैं और इस तरह की वर्कशीट को सॉल्व करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी स्पेलिंग्स अच्छी हो जाती है, क्योंकि बहुत बार मिस्टेक्स भी करते हैं, मिस्टेक करते हैं तो उसका करेक्शन होता है, और जब हम करेक्शन करते हैं तो हमें एक फिर वो मिस्टेक्स जो होती है ना वो नहीं होती है, हमें लर्न हो जाता है कि हाँ यहाँ पे क्या होगा। तो जितना हम प्रैक्टिस करते हैं ना उतना हमारी जो लर्निंग है और रीडिंग है सब अच्छी हो जाती है। और यहाँ पे क्या होगा, एल आई ओ एन। ठीक है, क्योंकि आई भी जो है वोवल है एंड ओ है वो भी वोवल है, तो आपका एक वर्ड बन जाएगा एल आई ओ एन। ठीक, ये कम्प्लीट हो गया। सर्कल द ऑड वन, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ऑड है, ठीक है, जो आपको डिफरेंट लग रहा है उसको आपको सर्कल करना है। तो सर्कल द ऑड वन। ठीक है, रोज़, लिली, लोटस और क्रो। आपने नोटिस किया, रोज़ फ्लावर नेम है, लिली भी फ्लावर नेम है, लोटस भी फ्लावर नेम है, देन
ये जो क्रो है ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, क्योंकि क्रो जो होता है वो बर्ड है, फ्लावर नहीं है। सेकंड में मैंगो, एप्पल, ज़ेब्रा, पियर। मैंगो, एप्पल और पियर ये जो है ये फ्रूट्स नेम है, बट ज़ेब्रा जो है ये क्या है, एनिमल नेम है। ठीक है, बैट, कैट, रैट और पग। आपने यहाँ पे देखा ये सेम साउंड वर्ड है ना, BAT बैट, CAT कैट, RAT रैट, देन PUP जो होगा वो ऑड हो जाएगा। ठीक है, CAT कैट, DOG डॉग, RAT रैट एंड HEN हैन। ठीक है, ये सभी एनिमल्स हैं एंड ये हैन जो है वो बर्ड में काउंट होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। रेड, येलो, रोज, पिंक। अब आप यहाँ पे देखिए रेड भी जो है आपका कलर है, येलो भी कलर नेम है, पिंक भी कलर नेम है, बट जो रोज़ है वो फ्लावर नेम है, तो ऑड क्या होगा, रोज़ होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है ए साउंड में ATAT एंड APAP। यहाँ पे ई साउंड में आपको ईजी और EN, इनके कुछ वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, इस तो जैसे कि आप लिख सकते हो CAT कैट, RAT रैट, MAT मैट है ना, और BAT बैट। ओके, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, CAP कैप, TAP टैप, ठीक है, MAP मैप और NAP नैप। ओके, इसके लिए है कि आपको बुक्स अच्छे से रीडिंग करनी चाहिए। अब जब LKG UKG छोटे छोटे से क्लास होते हैं तो यहाँ आपकी जितनी रीडिंग होगी उतना ज़्यादा आपको चीज़ें लर्न होंगी। ठीक है, LEG लैग, ठीक है, TEG टैग, ओके, PEG बैग, और क्या हो जाएगा, KEG कैप हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट है आप EN साउंड के साथ आपको बनाना है, देन PEN हो जाएगा, HEN हो जाएगा, है ना, MEN हो जाएगा एंड DEN। तो आज की वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है, तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए। और अगर आप और भी मतलब इस तरह की वर्कशीट चेक करना चाहते हैं तो आप UKG क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन कीजिए, आपको वहाँ डेली रिवीजन शीट्स मिल जाएंगी जो आपके लिए स्टडी में हेल्पफुल होंगी। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर मेरा चैनल आपके लिए स्टडी में हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।